नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एट जीओवी जॉब्स में। दोस्तों अपनी क्लास चल रही राजस्थान की कला और संस्कृति यानी आर्ट और कल्चर ऑफ राजस्थान। दोस्तों आज अपना टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ, और ये पहला पहली क्लास है दोस्तों राजस्थान की लोक देवियों की, यानी पहला पार्ट है इसमें। दोस्तों अपन ने 15 क्वेश्चन लिए हैं, और आगे की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन राजस्थान की लोक देवियों के और क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले अपना जो राजस्थान के जो लोक देवता थे उनका टॉपिक अपना पूरा हो चुका था, यानी उस उनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया था। दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल का नाम को आपको पता ही है, टारगेट एट जीओवी जॉब्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए करणी माता, ऑप्शन बी जीर्ण माता, ऑप्शन थ्री जो है वो नागनेची माता, ऑप्शन डी चामुंडा माता। तो बताइए दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस माता के द्वारा रखी गई थी? बताइए दोस्तों किस माता के द्वारा रखी गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा करणी माता। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता ने रखी थी दोस्तों। और करणी माता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, इनका जन्म जो है जोधपुर के सुआप गांव में हुआ था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम मेहाजी था, और करणी माता ने एक गांव बसाया था देशनोक, जो बीकानेर में है। और देशनोक बीकानेर में इनका क्या बना हुआ है, मुख्य मंदिर बना हुआ है, और वहां पे चूहों की अत्यधिक संख्या होने के कारण इन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। और जो चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको दोस्तों काबा कहते हैं। जो चूहे होते हैं चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए रिद्धि भाई, ऑप्शन बी सिद्धि भाई, ऑप्शन थ्री आशा भाई, ऑप्शन डी राणा भाई। बताइए दोस्तों करणी माता के बचपन का नाम क्या था, क्या था करणी माता के बचपन का नाम? तो दोस्तों करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धि भाई, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राठौड़ राजवंश की कुल देवी हैं, राठौड़ राजवंश जो है राजस्थान के, राठौड़ राजवंश की कुल देवी हैं ऑप्शन ए जो है करणी माता, ऑप्शन बी जीर्ण माता, ऑप्शन सी नागणेची माता, ऑप्शन डी ज्वाला माता। बताइए दोस्तों राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागणेची माता जो है वो राठौड़ राजवंश की क्या है, कुल देवी है। और दोस्तों नागणेची माता का मंदिर जो है वो आपके बाड़मेर के नगाणा गांव में बना हुआ है, और इसका निर्माण जो राव दुहर ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा लोक गीत किस लोक देवी का है? यानी जो लोक गीत होता है देवी का वो सबसे लंबा किस देवी का है? ऑप्शन ए है करणी माता, ऑप्शन बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी आमजा माता, ऑप्शन डी जीण माता। बताइए दोस्तों कौन सी लोक देवी का लोक गीत सबसे लंबा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीण माता। जीण माता जी का मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है, उनका लोक गीत क्या है, सबसे लंबा है दोस्तों। और एक खास चीज और है दोस्तों, यहाँ पे दीपक के लिए जो घी है ना वो केंद्र सरकार की ओर से हर साल आता है दोस्तों। ठीक है, और एक ये भी बताया गया है कि इनके मंदिर में जो है, औरंगजेब ने जब इनके मंदिर पर आक्रमण किया था तो मधुमक्खियों ने इनके मंदिर की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढाई प्याले शराब किस देवी को चढ़ाई जाती है? यानी ढाई प्याले जो शराब है वो किस देवी को चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए जिलानी माता, ऑप्शन बी जीण माता, ऑप्शन सी आशापुरा माता, ऑप्शन डी अंबिका माता। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, कि ढाई प्याले जो शराब है वो किस लोक देवी को चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीण माता जी के जो है ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है। आजकल मंदिर में शराब चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, आजकल मंदिर में शराब नहीं चढ़ाई जाती है दोस्तों, लेकिन पहले ढाई प्याले शराब जो है वो जीण माता जी के मंदिर में चढ़ाई जाती थी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? राठौड़ जो है उनकी आराध्य देवी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए चामुंडा माता, ऑप्शन बी आमजा माता, ऑप्शन सी जीण माता, ऑप्शन डी करणी माता। बताइए दोस्तों राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? तो दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है वो क्या है, राठौड़ों की आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं, राठौड़ों की क्या है, आराध्य देवी है दोस्तों। ठीक है, और इनका मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुखंतिका किस देवी के मंदिर की घटना है? दोस्तों एक घटना है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुखंतिका, ये किस देवी के मंदिर की घटना है? ऑप्शन ए चामुंडा माता, ऑप्शन बी है जमुआई माता, ऑप्शन सी सुंदा माता, ऑप्शन डी ज्वाला माता। बताइए दोस्तों मेहरानगढ़ दुखंतिका किस देवी के मंदिर की घटना है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा चामुंडा माता के मंदिर की। यहाँ पे दोस्तों 30 सितंबर 2008 को, 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मच गई थी दोस्तों इस मंदिर में, उसको नाम दिया गया मेहरानगढ़ दुखंतिका। और इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था दसराज चोपड़ा आयोग। दसराज चोपड़ा आयोग कब हुआ, 30 सितंबर 2008 को हुआ था दोस्तों, मेहरानगढ़ दुखंतिका और चामुंडा माता के मंदिर की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जाति के लोग किस देवी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं? भील जाति के जो लोग हैं वो किस देवी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए आमजा माता, ऑप्शन बी लटियाल माता, ऑप्शन सी आशापुरा माता, ऑप्शन डी शीतला माता। तो बताइए दोस्तों भील जाति के लोग जो हैं किस देवी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए किस देवी को मानते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए आमजा माता। आमजा माता को भील जाति के लोग अपनी क्या मानते हैं, इष्ट देवी मानते हैं। सॉरी, और इनका मंदिर जो है वो दीछड़ा उदयपुर में बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ का खजुराहो किस देवी के मंदिर को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो किस देवी के मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन ए शीतला माता, ऑप्शन बी अंबिका माता, ऑप्शन सी आवरी माता, ऑप्शन डी महामाया माता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंबिका माता, ऑप्शन नंबर बी अंबिका माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। और इनका मुख्य मंदिर दोस्तों जगत उदयपुर में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, जगत उदयपुर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, शीतला माता का मंदिर स्थित है जयपुर में है, बी ऑप्शन है उदयपुर में, सी बांसवाड़ा और डी बीकानेर। यानी शीतला माता का मंदिर किस जिले में बना हुआ है? दोस्तों अगर ऐसा मंदिर पूछा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं का भी मंदिर हो, और यहाँ पे मुख्य मंदिर की बात की जाती है। ऐसे तो शीतला माता का मंदिर हमारे गांव में भी बना हुआ है तो उसकी बात नहीं है, जो मुख्य मंदिर जो होता है ना उसकी बात होती है। तो शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, चार ऑप्शन है जयपुर उदयपुर बांसवाड़ा बीकानेर। तो सही उत्तर जो आपका होगा वो होगा जयपुर, शीतला माता का मंदिर जयपुर में सील की डूंगरी चाकसू में बना हुआ है दोस्तों। और इस मंदिर का निर्माण माधव सिंह प्रथम ने करवाया था, और यहाँ पे खंडित प्रतिमा की क्या की जाती है, पूजा की जाती है दोस्तों। और शीतला माता के वाहन की अगर अपन बात करें तो वाहन होता है गधा, और पुजारी जो है ना वो यहाँ क्या होता है, कुम्हार जाति का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चेचक की देवी के रूप में किस लोक देवी को पूजा जाता है? चेचक की देवी के रूप में किस लोक देवी को पूजा जाता है? ऑप्शन ए है आशापुरा माता, ऑप्शन बी अंबिका माता, ऑप्शन सी शीतला माता, ऑप्शन डी जीण माता। बताइए दोस्तों चेचक की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी शीतला माता। शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में
पूजा जाता है। और इनके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन पर इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इनका मुख्य मंदिर सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में और निर्माण माधो सिंह रतम ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनग्रा चौहानों की कुल देवी कौन सी है? सोनग्रा चौहानों की कुल देवी कौन सी है? ऑप्शन ए आशापुरा माता, ऑप्शन बी जमुआई माता, ऑप्शन सी करणी माता, ऑप्शन डी जीण माता। बताइए दोस्तों सोनग्रा चौहानों की कुल देवी, और आपका ऑप्शन ए होगा सही, आशापुरा माता है वो क्या है, सोनग्रा व बिस्सा ब्राह्मणों की क्या है कुल देवी है दोस्तों। और इनका मुख्य मंदिर नाडोल पाली में बना हुआ है और दूसरा मोदरा जालोर में बना हुआ है। और खास बात ये है कि दोस्तों जब यहाँ पे पूजा की जाती है ना उस समय महिलाएं क्या निकालती हैं, घूंघट निकालती हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आमेर की कछवाहा राजवंश की कुल देवी है? आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी है ऑप्शन ए जमुआई माता, जम्मू है दोस्तों यहाँ, जमुआई नहीं जमुआई माता, जमुआई माता, सुंदा माता, ज्वाला माता, दधीमती माता। बताइए दोस्तों आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जमुआई माता। जमुआई माता आमेर के कछवाहा राजवंश की क्या है कुल देवी है दोस्तों। और इनका मंदिर बना हुआ है जमुआ रामगढ़ जयपुर में। कहाँ पे? जमुआ रामगढ़। कहाँ इनका मंदिर जो बना हुआ है दोस्तों जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़ कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? जयपुर में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन है, किस माता के मंदिर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस माता के मंदिर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया? ऑप्शन ए है सुंदा माता, ऑप्शन बी लटियाल माता, ऑप्शन सी तन्नोट माता, ऑप्शन डी त्रिपुरा सुंदरी। बताइए दोस्तों किस देवी के मंदिर पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुंदा माता। सुंदा माता के मंदिर पर क्या कहा गया, प्रथम राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया दोस्तों। ठीक है, और ये इनका मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है भीनमाल जालोर में, भीनमाल जालोर में बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दधीमती माता का मंदिर बना हुआ है? ऑप्शन ए गोट मांगलोद नागौर, ऑप्शन बी जोबनेर जयपुर, ऑप्शन सी भीनमाल जालोर, ऑप्शन डी जमुआ रामगढ़ जयपुर। बताइए दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोट मांगलोद नागौर में। दधीमती माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? गोट मांगलोद नागौर में बना हुआ है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट जरूर करें। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा इसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल है target@gov.jobs। आप यूट्यूब ओपन कीजिए दोस्तों, यूट्यूब पे एक सर्च बार का इस टाइप का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको लिखना है target@gov.jobs, और वहाँ पे इस लोगो का जो चैनल है उसको ओपन करके आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको क्या मिलती रहेगी दोस्तों, अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं, अगर कोई क्वेरी हो, कोई आपको लगता है कि किसी प्रश्न में दिक्कत है या किसी प्रश्न के उत्तर में दिक्कत है, तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। और हाँ ये ज़रूर आप बताएं कि इन 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।